This part of video covered the pressure exerted by fluid or liquids and air. So pressure exerted by fluids. Okay, so fluids are what are fluids? Air and liquid. Both are fluids. Okay, air or liquid जितने भी है वो सब क्या fluid है. क्यों? क्योंकि वो flow करते हैं. Simple. Fluid friction में भी आपने पढ़ा हुआ है. So fluid और air के through जो pressure exert कर रहा है हम उसकी study करेंगे. ऐसा नहीं है कि solids नहीं करते. Air किस जगह आप यहाँ पर gas भी लिख सकते हैं. Okay, in place of air you can take any gas. हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस कुछ भी ले सकते हैं. तो नटशेल में हम एयर में सारी गैसियस सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड लिक्विड में भी सारे, सिर्फ वाटर नहीं, लिक्विड मींस सारे लिक्विड. ओके, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, हनी, कुछ भी ले सकते हैं आप. क्लियर? सो इट डजंट मीन कि ओनली लिक्विड्स एंड gases exert pressure. Solid is also exerted. Solid is also exert pressure on the surface or on the object. How? Because they have weight. उनका अपना weight होता है. और weight है क्या? Weight तो force ही है ना. और force है कितनी जगह force लग रहा है, यही तो pressure है. Simple. किसी भी एक solid ने कितने area में अपना weight लगाया तो वेट फोर्स है. और वो फोर्स उस एरिया में है तो मतलब हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तीनों स्टेट फोर्स लगाती हैं. अब फोर्स अप्लाई कर रही हैं, एक्सर्ट कर रही हैं, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई ना कोई सरफेस होगी, कुछ वॉल होगी, कुछ तो होगा जिस पर वो अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कॉन्टेक्ट में वो आ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे सिलेबस में अब हमको लिक्विड का और एयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है हम उसकी बात करेंगे. ओके, आपने देखा होगा आप होली के समय में बैलून में आप क्या करते हो, टैप चालू करते हो, बैलून को फिल करते हो, टाई कर देते हो. तो आपने क्या किया, पानी उसमें बैलून में भरा. तो ये क्या है, वाटर उसमें प्रेशर एक्सर्ट, आपने वाटर आने दिया तो फूल रहा है. क्यों फूल रहा है, क्योंकि वो वाटर ऑल द डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए वो यूनिफॉर्मली बैलून आपको फूलता जा रहा है. ऐसा नहीं होगा कि वाटर का क्या, नहीं मैं तो इस तरफ बस जाऊंगा तो बैलून सिर्फ इस तरफ फूलेगा, नहीं, वो बैलून क्या होगा, इन्फ्लेटेड इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली, सभी डायरेक्शन में वो एक सा फूलेगा. आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं. आप एक ट्यूब लीजिए. ओके, उस ट्यूब में नीचे आप एक बलून या थिन शीट ऑफ रबर फिक्स कर दीजिए, अच्छे से टाई कर लीजिए कि कहीं से लीक ना हो लिक्विड. ओके, एंड देन पोर सम लिक्विड्स एंड लिक्विड यू कैन टेक वाटर. ओके, विद द हेल्प ऑफ वाटर यू कैन डू दिस एक्टिविटी. तो जब आप इसमें वाटर फिल कर रहे हो तो आप क्या करो, देखोगे थोड़ा सा ये फूलने लगा. ओके, फिर अब आप क्या कर रहे हो, मोर वाटर, यू पोर मोर वाटर. सो आप ये देखोगे ये बलून और ज्यादा फूलने लगा और लेवल आपका यहां बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जा रहे हो आप देखोगे इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो वाटर आपने इसमें दिया है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो बीइंग अ फ्लेक्सिबल वॉल इट एक्सपैंडेड. किसकी वॉल, क्या वॉल क्या हो रही है, एक्सपैंड होती जा रही है. ठीक है, सो व्हाट डू यू कंक्लूड बाय दिस एक्टिविटी, वी हैव टू कंक्लूड दैट द लिक्विड अप्लाई और एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस. ये तो क्लियर हो गया कि उन्होंने बेस से प्रेशर, बेस में प्रेशर लगाया, जिस कंटेनर में लिक्विड है उसके बेस में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है.
अब आप सेकेंड एक्टिविटी करके देखिए. इन प्लेस ऑफ बेस यू हैव टू टेक दिस अरेंजमेंट. ओके, आप एक प्लास्टिक का पाइप ले लीजिए, यहां उसको सील करवा दीजिए. आप मम्मा की, भैया की, किसी की हेल्प लेके उसे बंद करवा दीजिए. ठीक है, और यहाँ ऊपर कहीं साइड में या यहाँ कहीं आप और ऊपर ले लीजिए. चलिए, आप यहाँ एक ओपनिंग रखिए, इसे भी अच्छे से टाइट कर दीजिएगा. ठीक है, एंड उस पर अगेन दिस रबर फिक्स, एक पतली सी शीट रबर की या एक बलून उसपे, हाँ, डिफ्लेटेड बलून आप उसमें लगा दीजिएगा. अब आप इसमें वाटर फिल करना चालू करिए. जब वाटर इस लेवल पे आएगा, मतलब यहां तक आ रहा है, तब तक तो कुछ नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे ही वाटर ऊपर आने लगेगा आप देखोगे यहाँ फ्लो करेगा. ठीक है, अब आप पानी और डालते जाइए और डालते जाइए, इसमें वाटर को आप देखेंगे धीरे धीरे ये फूलने लगेगा. तो ये तो साइड में है, हम तो कह रहे थे कि बेस पे एग्जर्ट करता है. दिस शोज दैट द लिक्विड्स आर एग्जर्टेड प्रेशर ऑन द साइड ऑल्सो. तो साइड की वॉल में, बेस में, सब जगह वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है. आप यहां ओपनिंग लगा लोगे, यहां दिखेगा आपको. तो हम सिर्फ यही कहेंगे ना कि जो लिक्विड्स होते हैं वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. क्लियर है? एक एक्टिविटी में और मैं आपको बता देती हूँ, वो साइमल्टेनियसली हमें पढ़ना पड़ेगा. वो एक बैरोमीटर में घर पे अपन बना सकते हैं. तो उसमें लिक्विड और एयर दोनों का है. अभी तो हम आपको सिर्फ लिक्विड का ही समझा रहे हैं, बाकी इसमें एयर और लिक्विड दोनों का ही है. ठीक है, तो वो एक्टिविटी में जब एयर का स्टार्ट करूंगी, लिक्विड का फिनिश करूंगी, तब आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, अब ये तो बात हो गई. अब इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जो एक मैंने कंटेनर लिया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें मैंने एक ही हाइट पे होल बना रखे हैं. ठीक है, एक ही हाइट पे होल बना रखे हैं. जब हम इसमें लिक्विड फिल करते हैं तो आप देखोगे जो वाटर की स्ट्रीम है वो एक से फोर से, मतलब अब कैसे पता चलेगा फोर्स कैसे, मतलब इनमें जो प्रेशर आ रहा है एक से प्रेशर से, वो एक से प्रेशर से ऑल डायरेक्शन में गिरेगी. वो उसी प्रेशर से वो सभी डायरेक्शन में गिरेगी. ठीक है, तो ये इनका इससे कितनी दूर जाके गिर रही है ये शो करता है कि सारे जो स्ट्रीम है, जितनी भी ये फाउंटेन निकल रहे हैं, वो सारे के सारे बॉटल से सेम डिस्टेंस पर जाके गिर रहे हैं. इसका मतलब जब प्रेशर एक सा था तब तो फाउंटेन में उतना फोर्स आ रहा है. ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो लिक्विड्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में दे एक्सर्टेड सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इन सेम एट सेम लेवल, एक ही लेवल पर. हमने इसी लेवल पे देखा तो इस लिक्विड का जो लिक्विड इसमें फिल है, ये जो लिक्विड फिल है, उस लिक्विड ने यहां पर भी, मतलब यदि इस लेवल को मार्जिन लेके चल रहे हैं, इस लेवल पे वो सब तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ वो सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. क्लियर है? सो सी दिस एक्टिविटी. इफ वी वांट टू चेक द प्रेशर एट डिफरेंट लेवल, so by an activity I will explain you this concept. Okay, suppose this is a container bottle. Okay, इस पूरी में आपने देखा लिक्विड फिल है. Okay, so how would you conclude that the pressure is different at different level? The pressure exerted by liquid is different at different level. Okay, so make hole at different levels. Okay, and fill this bottle with the water. Okay, so you can clearly see that this is fall like this. Okay, ये क्या शो कर रहा है? ये जो फाउंटेन अलग अलग बन रहे हैं
उनकी डिस्टेंस अलग अलग है, वो बहुत इससे कितना दूर जाके गिर रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना दूर जाएगा। आपने होली में देखा होगा बच्चे लोग पिचकारी लेते हैं, तो जितनी जोर से पुश करेंगे वाटर उतने फोर्स से उतने प्रेशर से दूर जाएगा। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे फार जा रही है, इट मीन्स दिस लेवल हैज मोर और हाईएस्ट प्रेशर। ओके, एट दिस लेवल लिक्विड एक्सर्टेड हाईएस्ट प्रेशर एंड हियर लेस देन दिस वन एंड हायर देन दिस वन। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ इतने ही हाइट का प्रेशर है, इधर आने पे इतनी हाइट का प्रेशर था, इधर आने पे इतनी हाइट का प्रेशर है। तो आप देख रहे ना कितना प्रेशर बढ़ते जा रहा है। सिंपल सी बात है, हम भी यदि हैं तो हमारे ऊपर भी एयर का प्रेशर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कुछ भार जैसे फील होता है? नहीं, जबकि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है कितना किलोमीटर है, कम से कम 200 किलोमीटर तक हमारे ये ब्लैंकेट है एयर का, तो उसका कितना प्रेशर होगा? प्रेशर तो है, प्रेशर तो है। तो वो जो प्रेशर है वो कितना है? 2 बेबी एलिफेंट के वेट के बराबर है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज आर ऑर्गेन्स और आर ब्लड इज ऑल्सो हैविंग सेम प्रेशर। हमारे ऑर्गेन्स के अंदर हमारे सेल्स में जो वॉटर है, हमारे सेल्स में जो वॉटर है, हमारे ब्लड है, उन सब में भी इतना ही प्रेशर है। तो दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आपके ऊपर एयर का प्रेशर है, सपोज हम उस पर 2-3 बुक्स रख देते हैं आपके ऊपर, तो आपको फील होगा, प्रेशर फील होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जो आपके ऑर्गेन के अंदर जो प्रेशर था उससे ज्यादा है, इसलिए आप उसे फील कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने बैग पे एक गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर हैं, तो हम इसको हम सी लेवल कह रहे हैं सपोज, तो जो माउंटेन है वो बहुत ऊपर है सी लेवल से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये ब्लैंकेट का लेयर्स कम होती जा रही है, एयर के ब्लैंकेट की लेयर्स कम होती जा रही है, मीन्स ऊपर हिली एरिया में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और उनकी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी ज्यादा है, तो वो उनको सफोकेशन फील होगा, उनको सांस लेने में ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां एयर कम है, कम है तो प्रेशर भी कम है उसका। तो दैट्स व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, ओके, ऑन हिली एरिया, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस सिलेंडर दे कैन ब्रीथ इजी। क्लियर है? ठीक है, सो सी द एक्टिविटी इन विच द डिफरेंट लेवल्स हैविंग डिफरेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस प्रेशर। सो जनरली लिक्विड प्रेशर या गैस का प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? मैनोमीटर से। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने का डिवाइस है वो बैरोमीटर होता है। ओके, सो मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर स्पेशली फॉर लिक्विड्स के लिए। ओके, सो इन मैनोमीटर आई हैव मेक this is a setup for manometer. Okay, see, this arm is open. Okay, and colored liquid I have filled in this tube. आप इसे bend कर लीजिए and stick कर लीजिए इसे scale पर. क्यों? Because we want to read the changes in height. Okay, now both the arms having same level of liquid. Clear? And this funnel having a rubber sheet, okay? पतला सा एक रबर शीट है, या तो आप बैलून लगा सकते हैं। मैंने इसमें हैंड ग्लव्स लगाए हुए हैं, ओके, हैंड ग्लव को मैंने टाई कर दिया है, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। तो फनल में हैंड ग्लव लगा के ये भी फ्लेक्सिबल है। अब क्या होगा, सपोज अभी ये जो आर्म दोनों लेबल पर है, मतलब हम ये मान के चलते हैं इस ओपन एंड में और इसमें जो एयर है
वो दोनों तरफ सेम प्रेशर है। क्लियर? मैं साइमल्टेनियसली गैस और लिक्विड का इस एक्सपेरिमेंट में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? अब क्या करूंगी मैं, फिर एक्टिविटी में आपको सेपरेटली भी बताऊंगी। सी, व्हेन आई प्रेस दिस रबर शीट, मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया, आप देखिए मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और आप इसका लेवल देखिएगा। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो यहां से एयर को पुश किया, मतलब इस डायरेक्शन में प्रेशर जाता है। ये देखिए मैं बार बार उसे पुश कर रही हूँ, ये तो पुश करने से क्या होगा, आप इसे ऐसा बनाइए यहां से बेंड ना हो। ओके, ये बेंड हो गया थोड़ा सा, ठीक। सो यहां प्रेशर बढ़ाने से ये उस आर्म पर लेबल बढ़ रहा है। ओके, इस तरह से लेबल वेरी कर रहा है, तो इसकी रीडिंग नोट करके हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ओके, इसमें हमने कलर लिक्विड फिल किया हुआ है। सी दिस सेटअप, इसमें बुक में सुंदर है, मेरा सुंदर नहीं है, ठीक है? ये आम है, ओपन आम है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कलर, ये यहाँ पर उन्होंने रबर की शीट फिक्स की हुई है, एयर टाइट है, यहाँ पर जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो ये एयर इस तरफ इसको पुश करती है और कलर लिक्विड इस तरफ ऊपर राइज होता है, तो वही आपने इसमें देखा। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव क्लियरली सीन द प्रेशर ऑन द बोथ द लिम्स ऑफ दिस सेटअप इज इक्वल, दैट्स व्हाई द वाटर लेवल इज स्टैटिक इन बोथ द कंडीशन। ओके, नाउ इफ वी प्रेस और क्रिएट एक्स्ट्रा प्रेशर टूवर्ड्स दिस साइड, सो इट पुशेस द एयर फिल्ड इन दिस पाइप टूवर्ड्स फॉरवर्ड। ओके, सो दिस वॉटर लेवल बिकम्स डाउनवर्ड्स एंड हियर दिस लिंब, इस लिंब पे आप देखेंगे वॉटर गोज अपवर्ड। क्लियर है? तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसको, इसमें देखिए आप एक रबर की शीट लगी हुई है, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने से क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर है वो पुश होगी। आप देखिए लेवल जा रहा है ऊपर, आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब मैंने इसे रिलीज कर दिया तो दोनों लेवल सेम है। ओके, लाइक दिस, ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेम वाटर लिया है मैंने इसमें। अब यदि हम इसे डिप करते हैं तो आप देखिए वाटर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस रबर की शीट पे। ओके, सो एयर पुशेस टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट लिक्विड गोज अपवर्ड फ्रॉम दिस लिंब। नाउ वन मोर एक्टिविटी आई विल शो यू दैट शोज द लिक्विड प्रेशर, लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स इन इक्वल एक्सटेंट, इन इक्वल अमाउंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट मैनोमीटर यू कैन सी व्हेन आई मूव द फनल इन एनी डायरेक्शन, सो वॉटर पुशेस एयर ऑफ दैट मैनोमीटर इन सेम अमाउंट। ओके, सी द एक्टिविटी, नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट वॉटर एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ओके, I dip this inverted funnel in water, so water pushes upward. Okay, so the level of colored fluid is rises in this level. Okay, when we move, आप देख पा रहे हैं? When we move the funnel in any direction, so water level remains same. It shows that the liquids create or exerted pressure from all the direction in equal extent. Okay, when we keep this funnel outside from the water, so the pressure shows the atmospheric pressure. It means atmospheric pressure shows by the level of the liquid. Okay, so when we create only limited amount of pressure, so both the limbs shows the equal pressure in both the sides. Okay, these are the application of liquid pressure. We know the liquids are exerted pressure in all the substances which are contact in the liquid. Okay, so first
लिक्विड प्रेशर हेल्प्स टू स्टे अफ्लोट एंड इमर्स बॉडी. लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है. मान लीजिए हम कोई सब्सटेंस उसमें इमर्स करते हैं. सो यदि आप सिंपल इस पेन को एयर में ड्रॉप करोगे और इसी पेन को यदि आप एक लिक्विड में ड्रॉप करोगे तो इनकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि लिक्विड भी तो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है. वो पिन या ये पेन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन जो हो रही है उसका अपोजिट एक्शन मिलेगा आपको. ठीक है, तो जो एक्शन आपने इसे गिराने का किया उसका रिएक्शन कहाँ मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. सो क्या होगा, वो पेन वहां पर स्लो मूव करेगा. और यही बात आपने फ्रिक्शन में ऑयल और वाटर में कंपैरिजन देखा हुआ था. ठीक है, हम उस कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे हैं अभी. वो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ये समझ लीजिए जो बोट है, बोट कैसे फ्लोट कर रही है, क्यों उस पर तैर रही है? क्योंकि लिक्विड इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक फोर्स यूज इन मैकेनिकल प्रोसेस सच एज जेट्स कार ब्रेक्स. हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मीन्स वाटर से रिलेटेड वर्ड है. ओके, हाइड्रोलिक फोर्स से जेट वगैरह जो यूज होते हैं, आपने देखा होगा साइंस मॉडल्स जब आप देखते हैं उसमें हाइड्रोलिक फोर्स लगा के जेट होता है, या कोई क्रेन बनाई है बच्चों ने तो उससे वो उसे उठाते हैं. ठीक है, फिर है वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हायर एरिया सो दैट द वाटर कैन एक्सर्ट सफिशियंट प्रेशर टू फ्लो. आपके घर में आपने देखा होगा जो वाटर टैंक वगैरह होते हैं वो हाइट पे रहते हैं. ठीक है, एक सफिशियंट हाइट पे उन्हें रखना पड़ता है. यदि मान लीजिए आप अपने इस पे छत पे ऐसे ही रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पाइप से जो वाटर आ रहा है उसको फोर्स चेक करिए और उस टैंक की बात करिए जो और हाइट पे रखा हुआ है. तो ज्यादा हाइटेड होगा उससे सफिशियंट फोर्स मिलेगा तो आपके टैंक्स जितने भी हैं घर में उन सब में बराबर प्रेशर से पानी आएगा. तो एक डिस्टेंस, एक हाइट का रखना बहुत जरूरी होता है फोर्स के लिए. बाय लिक्विड प्रेशर नोजल टर्न्स लिक्विड इनटू अ स्प्रे. कोई भी लिक्विड का प्रेशर जो है वो लिक्विड के प्रेशर के कारण यदि हमने वहां नोजल लगा दिए, ठीक है, तो आप देखोगे वो उसको स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. आप सिरिंज से भी देख सकते हैं, सिरिंज से हमने यदि उसके डेढ़े निकाल लीजिए और आप उसमें पानी को पुश करेगा तो उस समय देखिए एक मोटी सी स्ट्रीम, एक धार जैसे निकलेगी. और आपने यदि नेडल लगा दिया, नेडल लगा रहे हैं मतलब आप उस पर नोजल लगा रहे हैं, एक पॉइंटेड होल वाला आपने इक्विपमेंट उसमें अटैच कर दिया. अब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो स्प्रे जैसे निकलेगा. तो ये स्प्रे क्यों निकल रहा है? क्योंकि छोटे से एरिए में से आप उस लिक्विड को फोर्स उतना ही लगा रहे हो तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए वो स्प्रे के फॉर्म में. और चूंकि होल बारीक था इसलिए वो स्प्रे बनेगा. ओके, तो नोजल से हम उस लिक्विड प्रेशर का यूज करते हुए स्प्रे बना सकते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो वी नो अबाउट दैट व्हाट इज एटमॉस्फेयर. ओके, सो एयर फाउंड इन लेयर्स. ओके, एंड दीज लेयर्स आर अटैच विद ईच अदर एंड फॉर्म अ ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो फ्रॉम द सी लेवल और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द एटमॉस्फेरिक विड्थ इज लीनियर अबाउट 200 किलोमीटर्स. तो आप खुद सोच सकते हैं 200 किलोमीटर्स तक एयर का जो ब्लैंकेट है उसका अपना एक मास होगा, उसका अपना एक वेट होगा. उस वेट को ही तो हम प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि वेट का एक फोर्स है जो कि हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है. क्लियर है? तो ये जो फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे. क्यों? क्योंकि प्रेशर है क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया. ओके, और यूनिट एरिया. क्लियर है? तो आप सिंपल सा, इफ यू टेक 1 square centimeter एरिया ऑफ एनी थिंग, सपोज कार्डबोर्ड और एनीथिंग, एंड प्लेस अ इन्वर्टेड ट्यूब, ओके, एंड फिल विथ एयर. सो द फोर्स अप्लाइड बाय एयर इज कॉल्ड प्रेशर. एट दैट टाइम द फोर्स अप्लाइड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, दिस इज 760 mm
ऑफ एचजी, एचजी क्या है, मर्करी। ओके, एक्चुअल में मर्करी से हम एक एपरेटस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ओके, सो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, क्लियर है। सो 760 mm मिलीमीटर ओके इज इक्वल्स टू 1 atm, हम atm प्रेशर की यूनिट atm भी है। ओके, सो ये क्या है, 1 atm, क्लियर है। तो अब मैं जो बैरोमीटर है वो क्या है, कैसे बनता है, ये देखते हैं। ओके, सो एक ट्रफ लेंगे जिसमें हमने मर्करी फिल कर रखा है और उसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब है जिसमें ग्रेडिंग है, उसमें मार्किंग है, मिलीमीटर मिलीमीटर की उसमें मार्किंग हमने बना रखी है, ठीक है। अब ये जो मर्करी का लेवल है ये ओपन है, ये ट्रक जो है ओपन है जिसमें हमने क्या बना है, मर्करी, मर्करी, मर्करी इज रिप्रेजेंटेड एज एचजी। ओके, नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द मर्करी डाउनवर्ड। ओके, एंड ग्रेजुअली द मर्करी राइजेस अपवर्ड इन द ट्यूब, ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है उसमें मर्करी का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक जगह जाके ये रुक जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में तो यहां नहीं थी मर्करी, हमने उसको सिर्फ रखा, हमने एक ट्यूब लिया उसको इन्वर्टेड रख दिया, उसका सेकेंड एंड यहां तो ओपन है और ये वाला एंड क्या है, क्लोज होगा उसका, क्लियर है। सो एज सून एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द मर्करी, सो मर्करी गोज टू द इनटू द दैट ट्यूब। ओके, हायर द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर हायर विल बी द लेवल ऑफ मर्करी, जितना ज्यादा प्रेशर एटमॉस्फेयर का रहेगा वो पुश करेगा तो मर्करी ऊपर ट्यूब में ऊपर आती जाएगी। ओके, सो इसे हम नोट कर लेंगे, यही हाइट तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है, इसमें मार्किंग में उसे हम नोट कर लेते हैं, वो हाइट होती है। ये क्या था, बैरोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मैंने और जो एक्टिविटी बताई थी उसमें भी आपको बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी इसमें मैं यहां से प्रेशर आप जो भी लेवल आ रहा है ये इक्वल दोनों तरफ में लिम में, दोनों लिम में जो कलर्ड सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब अभी बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, या जो भी प्रेशर इस ट्यूब पर लग रहा है, इस सरफेस पर या इस रबर पे जो अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर के थ्री, वो ये है। अब यदि हमने यहां प्रेशर इंक्रीज किया था तो ये पुश कर रहा है एयर और उस तरफ पे लिम में आप देखेंगे लेवल इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये देखिए, अब मैं यहां पुश कर रही हूं, ये लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, तो ये प्रेशर मेजर कर सकते हैं इस तरह से अपन एप्लीकेशंस। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर in our daily life, हमारी daily life में atmospheric pressure के role क्या है, कैसे effect डालता है, या हमें कहाँ उसकी जरूरत है, उसके बिना हम survive नहीं कर सकते हैं या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। okay, so first you have observed that when a doctor or when a nurse or compounder inject any fluid in your body or patient's body, okay, so first he or she fill the syringe with the medicine or injectable liquid fluid, okay, so first he push out the filled air from the syringe, and like if there was air, if there was some air, so after pushing the piston it escape out, and after that he or she dip the needle of syringe in a
इंजेक्टेबल सब्सटेंस और लिक्विड. उसने उस मेडिसिन में सीरिंज को डिप किया, निडल को. ओके, सो एयर के निकलने के बाद उसमें एक थोड़ा सा वैक्यूम हो जाता है. अब क्या होगा, वो पिस्टन को वापस से पुल करेंगे. तो जैसे ही पिस्टन को अपन पुल करते हैं तो वो लिक्विड उसके अंदर फिल होने लगता है. क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर थी वो तो बाहर चली गई थी, अब उससे उसकी प्लेस को फिल करने के लिए लिक्विड अंदर आएगा. तो यदि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो हम कभी सीरिंज फिल नहीं कर पाते. आपने देखा ड्रॉपर से, ड्रॉपर का आपने देखा हुआ है, तो ड्रॉपर में भी क्या करते हैं, ड्रॉपर को का बल्ब पहले पुश कर देते हैं, स्क्वीज करते हैं, जिससे उसके अंदर की एयर निकल जाती है. आपने खुद देखा होगा, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. मैं अभी एक्टिविटी दिखाऊंगी आपको, उसमें आप देखेंगे मैंने ड्रॉपर के पिस्टन को पुश किया, उसको प्रेस किया तो उसमें से एयर निकल रही है. कैसे पता चला, आप देखेंगे लिक्विड में बबल्स आ रहे हैं. यदि आप उसमें सोप डिजोल्व कर देते हो तो और प्यारे बबल्स आएंगे उसमें. ठीक है, तो ये बबल्स क्यों बने, क्योंकि एयर यहां से गई तो हमने उसको कंप्रेस किया पिस्टन, उसको बल्ब को ड्रॉपर के, तो एयर गई. या सिरिंज की निडल को, पिस्टन को हमने पुश किया तो एयर निकली, वो एयर बाहर गई, तो बबल आपको दिख रहे हैं. ठीक है, एक्टिविटी में आपको दिखेंगे. तो इसी वजह से हम उसे ले पा रहे हैं. साइफन, साइफन क्या होता है, जो लार्ज टैंक होते हैं उनसे फ्लूइड को हमें नीचे लेना होता है. तो साइफन भी किस पे, किस थ्योरी पे बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बेस्ड है. ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूज भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है. नाउ आई विल शो यू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस ड्रॉपर फिल्ड विथ एयर. ओके, व्हेन आई स्क्वीज दिस ड्रॉपर सो इट्स एयर रिलीजेस. ओके, सो नाउ हाउ वी कैन चेक द रिलीज्ड एयर इज, रिलीज एयर इज फ्रॉम द ड्रॉपर. सो सी, इफ एयर इज रिलीज सो इट विल प्रोड्यूस बबल्स इन दिस सोल्यूशन. ओके, सी केयरफुली. ये देखिए अपने बबल्स निकल रहे हैं, मतलब इसकी एयर रिलीज हो रही है. ओके, नाउ आप बहुत ध्यान से देखिए, इसका बल्ब मैंने अभी प्रेशराइज कर रखा है जिससे इसमें अभी एक पार्शियल वैक्यूम है. क्लियर, अब मैं इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वापस से इस सॉल्यूशन में डिप करूंगी. ओके, सो एज सून एज आई रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द बल्ब सो वॉटर rises upward to fill that vacuum place. Okay, like this. Okay, this is syringe. I am using this syringe to show the vapor pressure, the atmospheric pressure is present in all over us. Okay, so आपको पता है हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो कितना है, दो बेबी एलिफेंट के मास के बराबर हमारे ऊपर प्रेशर होता है. लेकिन हमें तो कुछ भी फील नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. बट ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है और बाहर जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल है, इसलिए हमें फील नहीं होता. आप एयर का प्रेशर कितना होता है आप इस एक्सपेरिमेंट से देखिए. ओके, सो दिस इज सीरीज एंड इट इज फिल्ड विथ एयर. Okay, when I push the piston of this syringe, so air comes out and in the form of bubbles. Okay, I make some soap solution in this colored water. Okay, so when soap solution having some air from any source, so it will produce froth or jhag or foam. Okay, so see the bubbles of soap. Dekha aapne, ye soap se bubbles form hue. Kyun? क्योंकि उसमें एयर हम पास कर रहे हैं. वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू पुश दिस एयर टू सॉल्यूशन. सी, ओके, नेक्स्ट. अब इस पिस्टन को हमने पूरा ऊपर तक लाया, ये देखिए आप, मैंने इसकी पूरी एयर एस्केप आउट फ्रॉम द सीरिंज. सो व्हेन आई पुश बैक दिस पिस्टन सो द वैकेंट स्पेस फिल्ड विद द वॉटर. सी, मैंने इसे डिप कर दिया है सिरिंज को, निडल को उसकी, अब एयर के कांटेक्ट में नहीं है.
क्लियर। अब मुझे जब पिस्टन को मैं बाहर पुश कर रही हूं, सॉरी पुल कर रही हूं, तो आप देखिए उसमें उस वैकेंट स्पेस को कवर करने के लिए ये कलर वाटर ऊपर आ रहा है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वैक्यूम पोर्शन कवर्ड बाय द सॉल्यूशन। क्लियर? इतना श्योर है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूसेस। व्हाई? बिकॉज द लेयर ऑफ एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एंड मोर थिनर ग्रेजुअली, सो प्रेशर इज रिड्यूसेस। एंड एट हिली एरिया और एल्टीट्यूड वी आर नॉट कंफर्टेबल टू ब्रीथ बिकॉज देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आवर बॉडी having high atmosphere high pressure at altitude, okay? जब हम compare करते हैं हमारी body के अंदर जो pressure है वो atmospheric pressure से ज्यादा होता है तो हमें problem होती है breathing में। इसीलिए mountaineers जो है वो gas का oxygen का cylinder लेके mountain पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको extra pressure की जरूरत है, extra gas की, extra air की उनको जरूरत होती है। Clear है? तो उन्हें बहुत जरूरी होता है वो सिलेंडर लेके जाना, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे जितना अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं लेयर थिन होती जा रही है, तो डेफिनेटली थिन होना मतलब अमाउंट ऑफ एयर कम होना, तो उसका प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? बैलून में आपने क्या किया था, आपको प्रेशर देते जा रहे थे तो बस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि आप फूक कर उसमें अमाउंट बढ़ाते जा रहे थे, तो अमाउंट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। हिली एरिया में क्या होगा, अमाउंट कम है एयर का तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दिस इज योर प्रेशर चैप्टर, दिस इज फिनिश्ड एंड यू हैव टू लर्न ऑल द रिटन मटेरियल व्हिच आई एम गोइंग टू अपलोड, आई एम गोइंग टू सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ओके, now we will do some exercises. Okay, from the old book page number 107, choose the answer. The SI unit of force is newton. The following is the contact force. I think we have done this force. When a given force is applied on a larger area, the pressure exerted will be decreased. जितना area बढ़ाओगे pressure तो decrease होगा उसी force पर। वही force, मान लो 5 न्यूटन force हमने 1 square centimeter में लगाया, okay? और 5 न्यूटन force हमने 10 square centimeter में लगाया। Force same होने के बावजूद भी pressure में अंतर आ रहा है because of the area. Lower the area, higher will be the pressure. Clear? Hai? So pressure will be decreases. The liquid exert pressure at the bottom of the vessel, side of the vessel, side as well as bottom of the vessel, or none of the above. Both. आपको एक experiment मैंने explain किया था जिसमें bottom पे भी आपने देखा था balloon, आपने देखा था उसमें वो inflated हो रहा है with लिक्विड एंड साइड में लगाया था तो भी, तो वो ऑल साइड एंड इवन बेस पे भी इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है। ओके, प्लेन से भी ज्यादा सी लेवल पे होता है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेन पर थोड़ा सा कम और हाई एल्टीट्यूड पे तो बहुत ही कम है।